हेलो आई होप यू गाइस डूइंग वेल सो रश्मिका मंदाना ऑपोजिट होंगी सलमान खान साहब के सिकंदर फिल्म में फिल्म डायरेक्ट करेंगे ए आर मोरगुदौस प्रोड्यूस कर रहे हैं साजिद नारियर वाला साहब तो अभी मैंने ऐसी रैंडमली मैंने सिर्फ ये ट्वीट किया इसके बारे में और उस पर इतने सारे लोगों के कॉमेंट्स आने शुरू हो गए एंड आई थिंक यूजअल वाली बातें थी कि दैट एज डिफरेंस है ये है वो ऑल सॉर्ट्स ऑफ थिंग्स बहुत सारे कॉमेंट्स है एंड मैंने बेसिकली ये सोचा कि फील आई पर्सनली फील इट इज सच अर थिंक फर्स्ट ऑफ ऑल भाई अगर उनकी बीच में एज कम होती है अगर आस पास की एज होती वो शादी कर लेते हैं मतलब ये आपको समझना जरूरी है कि भाई फिल्म जो है या फिर एक जो स्क्रीन का जो मीडियम है वो एक मेक बिलीव का मीडियम है आपको उस पर्दे के ऊपर कन्विसिंग लग रहा है कि नहीं लग रहा है वो इंपॉर्टेंट है उसके बियॉन्ड नथिंग इज इंपॉर्टेंट अब ये बहुत सारे एग्जाम्पल्स इस तरीके के हैं कि अगर एज डिफरेंस की बात करी करी जाए हीरा पन्ना फिल्म है देवानंद साहब जीना तमान जी तीस साल का एज डिफरेंस आज भी वो फिल्म जो है उसके गाने जो हैं वो मकबूल हैं लोग लोग पसंद करते हैं है ना एक, एक कमाल की एक टेंटलाइजिंग सी केमिस्ट्री अनुष्का शर्मा की उम्र थी करीबन 18 उन्नीस साल जब रब ने बना दी जोड़ी वो कर रही थी शाहरुख खान साहब की उम्र थी करीबन तैतालीस साल इस तरीके के बहुत से एग्जाम्पल्स हैं आमिर खान साहब करीबन बयालीस साल के थे जब उन्होंने थ्री इडियट्स करी है एंड ही हैव टू प्लेक एटीन नाइनटीन ईयर ओल्ड इन दैट परुलर फिल्म कन्विंसिंग थे कि नहीं थे इंपॉर्टेंट बात बात यह है क्या कन्विंग थे कि नहीं थे शाहरुख खान और अनुष्का शर्मा की केमिस्ट्री क्या कन्विंसिंग थी रब ने बना दी जोड़ी में कि नहीं थी उसके बाद तो बहुत सारी फिल्में करी हैं साथ में इस तरीके के बहुत से एग्जाम्पल्स हैं तो ये देखिए ये इंटायर आइडिया के दैट की एज डिफरेंस इन दिस इन दैट भाई अगर सलमान खान जो है वो कन्विंसिंग लग रहे हैं कि नहीं लग रहे मेहनत कर रहे हैं अपने अपनी बॉडी के ऊपर कि नहीं कर रहे हैं रश्मिका मंदाना को मैं बहुत काफी मैं टाइम से मैं जानता हूँ और मैंने पर्सनली मैं उनको उनको, उनको जो मुझे समझ में आता है दैट शी इज़ अ वेरी वाइवेशियस और अ पर्सनैलिटी वो मेच्योर हैं और वाइवेशियस हैं एंड शी हैज एन इंस्टेंट कनेक्ट विद विद एनी वन दैट शी इंटरक्ट विध वट्स मैं जब पहली बार उससे मिला था इंटरव्यू के लिए मुझे ऐसा लगा कि मैं उनको बहुत टाइम से जानता हूँ सो so, ये उन्होंने खैर मेरे इंटरव्यूज देखे हुए थे तो वो जाहिर सी बात है वो एक आइस ब्रेक करने में आसानी होती है लेकिन ऐसे ये जो ये जो आर्ग्यूमेंट्स होते हैं इतने एज ओल्ड हो चुके हैं कि दैट आई फाइंड दम रिडिकुलस ऑनेस्टली स्पीकिंग भाई इससे आपको क्या मतलब कि दोनों के बीच में एज डिफरेंस है हाउ डज़ इट मेक अ डिफरेंस डू यू नो द स्टोरी स्टोरी क्या है उसके उसके बीच में अब किसी ने कहा सिकंदर अगर है तो उसमें सिकंदर फिर वो एक हिस्टोरिकल उसमें कॉन्टेक्स्ट चले गए आपको पता है कहानी क्या है सो so, ये दीज आर दीज आर सिली थिंग्स आप कहानी पर पहले आप पिक्चर को आप सामने आने दीजिए अगर एक हीरो और हीरोइन अगर फिल्म में है तो क्या वो रोमांटिकली एक दूसरे के अपोजिट पेयर हैं किस तरीके की कहानी है क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं हमें नहीं पता इसके बारे में पेयरिंग पर्सनली आई फील कि बहुत ही कमाल की पेयरिंग है बहुत ही फ्रेश पेयरिंग है अच्छी पेयरिंग है मुझे खुशी इस चीज़ की है कि ए आर मोरूगुदौस डायरेक्टर हैं बिकॉज ये बहुत ही सॉलिड सॉलिड डायरेक्टर हैं साउथ के हैं एट द सेम टाइम ये ही प्रिसाइसली नोज वॉट ही वॉन्ट्स थोड़े से थो, मतलब हाइट उनकी थोड़ी छोटी सी है और लेकिन ये है कि गजब का मतलब बंदे के अंदर कॉन्फिडेंस हैट ही व्हाट ही वांट्स मुझे लगता है कि सलमान साहब बैडली नीड्स

प्लस इज़ देअर रश्मिका मंदाना डेफिनेटली पुष्पा बहुत सी बड़ी बड़ी फिल्मों में एनिमल uh, रश्मिका uh, रही हैं शी हैज़ दैट दैट अपील फॉर अ बिग स्क्रीन एक्सपीरियंस फ़ॉर अ बिग बोनेजा एक्सपीरियंस ए आर मुर्गुदास डेफिनेटली वेरी फाइन डायरेक्टर साजिद नारियर वाला प्रोड्यूसर और सलमान खान नीड्स अ प्रोड्यूसर जो कि कटिंग कॉर्नर्स नहीं करे जो कि उनको सही प्लेटफॉर्म दे और उसके अलावा साजिद नारियर वाला की साजिद भाई की खासियत ये है कि दैट ही विल नॉट एक्सेप्ट एवरी थिंग दैट इज़ That is told to him. He also has a certain say in the in the proceeding. He is not like a like a any random producer. He has a say. He is a director himself. So वो भी important है. Because uh, I think पूरे लाज़ास्की में important चीज़ ये है कि director अपना काम करे. He is a captain of the ship. Actor or actress जो हैं वो अपना काम करे. ज़रूरी नहीं है कि actor एक्टर्स और एक्ट्रेसेस जो हैं उनका बाकी डिपार्टमेंट्स में भी दखल हो या फिर उन उसमें भी वो डिसाइडिंग फैक्टर हो करने को कर सकते हैं स्पेशली जब आप बहुत बड़े स्टार हैं लेकिन आइडियली अगर आप फोकस करें अपनी सारी एनर्जीज़ को एक्टिंग um, के ऊपर वो आपका दैट इज़ दैट इज़ द बेस्ट जॉब दैट यू कैन डू लेट द प्रोड्यूसर हैंडल द लॉजिस्टिक्स पार्ट ऑफ इट पार्ट ऑफ इट और कौन जो है बाकी स्टार स्टारकास्ट क्या होगी और म्यूज़िक डायरेक्टर कौन होगा म्यूज़िक म्यूज़िकस तरीके की होगी लेट द प्रोड्यूसर एंड द डायरेक्टर हैंडल दैट फोकस ओनली ऑन द जॉब एट हैंड

आई हैव दिस दिस इनर्जी की दैट इस फिल्म में जो है एक बात वो हो सकती है क्या वो पाँच सौ करोड़ क्लब में एंटर करेगी हम लोग पता करेंगे हम हमें पता चल जाएगा बहुत जल्दी लेकिन मुझे मुझे इस चीज़ का कॉन्फिडेंस है कि इसका पहला पोस्टर क्या है प्रोमो क्या है आई हैव दिस दिस फीलिंग दिस मूवी इज गोइंग टू हैव द इनर्जी दैट रियली प्रोपल्स द बॉक्स ऑफिस आपका क्या मानना है डू शेयर योर थाट्स विद विल भी वेटिंग फॉर इट ईगली दिज फॉरियान स्टे कनेक्टेड